हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं आपके एंटी एमीबिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में से पहला और इम्पोर्टेंट क्लास, और उसका एग्जांपल है मेट्रोनिडाजोल। ये ड्रग काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरा लेक्चर आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब आप ये पूरा लेक्चर ध्यान से सुन लेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन टेस्ट का एक लिंक पाएंगे, जिसको क्लिक करके आप आज के लेक्चर बोर्ड का पूरा एग्जाम दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस तरीके से आप अपना नॉलेज भी बढ़ाएंगे व्हाइट बोर्ड को देख करके, साथ साथ उस नॉलेज को एसेस भी कर पाएंगे कि कितना आप समझ पाए हैं, कितना आप जान पाए हैं। आज का जो ड्रग है मेट्रोनिडाजोल, वो अमीबायोसिस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट अपनी भूमिका रखता है। जो अमीबा की वजह से प्रॉब्लम होते हैं, जो अमीबा की वजह से डिसेंट्री होती है, और उस डिसेंट्री में लूज मोशन के साथ म्यूकस और ब्लड भी जा सकते हैं, ऐसे ही प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमारा मेट्रोनिडाजोल कैटेगरी के ड्रग या इस कैटेगरी के बिलोंग करने वाले दूसरे ड्रग हम इसमें यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो मेट्रोनिडाजोल एक प्रोटोटाइप ड्रग है नाइट्रोइमिडाजोल का। प्रोटोटाइप ड्रग कहने का मतलब होता है कि उस क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला ड्रग, जिसका जो प्रारूप है, जिसका जो स्वरूप है, इसके काम करने का तरीका है, वो उसी क्लास के बाकी ड्रग के साथ मैच करता है, जिसके आगे और अधिक अच्छे मात्रा में डेवलपमेंट करने की संभावना बढ़ जाती है। इनको जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1959 में, बट जब इनको हमने पहली बार 1959 में इंट्रोड्यूस किया था, तब वो एंटी एमीबिक ड्रग के रूप में नहीं लॉन्च हुआ था, तब उसे यूज किया जाता था ट्राइकोनोनियासिस के रूप में। बाद में इसको एक एंटी एमीबिक ड्रग के रूप में इनकी पोटेंसी को आइडेंटिफाई किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला जो यूज था जिसकी वजह से मेट्रोनिडाजोल को यूज किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, वो क्या था। तो आप यहां से देख सकते हैं, प्रोटोटाइप ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो आपके पूरे क्लास के एग्जाम्पल को एक रिप्रेजेंट करने वाले ड्रग होते हैं, एक लीडर कैटेगरी के ड्रग होते हैं, जिनको देख करके, जिनके मैकेनिज्म को समझ करके आप बाकी के कंजेनर के बारे में समझ सकते हैं। दूसरा देखिए, इट किल्स ट्रोफोजोइट्स। इट किल्स ट्रोफोजोइट, किल्स वर्ड आते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सीडल तरह की एक्टिविटी दिख रहा होगा। जब हमने मैक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा तो आपने बैक्टीरियल सीडल का नाम पढ़ा, आपने कई बार फंगल केस में पढ़ा तो फंगीसीडल का नाम पढ़ा, वैसे ही अगर हम अमीबा के बारे में बात करते हैं तो इनको हम सिंपली बोलेंगे अमीबोसिडल के रूप में। तो ये किल करते हैं ट्रोफोजोइट को, और आप ये भी जानते हैं कि ट्रोफोजोइट का मतलब क्या है। ट्रोफोजोइट एक ऐसा पार्ट है हमारे इस प्रोटोजोआ का जो कि अब मैच्योर हो चुका है और वो मूवमेंट कर रहा है, साथ ही साथ वो अपने होस्ट से न्यूट्रिएंट को अपने सर्वाइवल के लिए लेना स्टार्ट कर रहा है, वो एक फॉर्म कहलाता है। तो इसी ट्रोफोजोइट को ये किल कर सकता है, और कहां पे, तो पिछले पार्ट में आपने क्लासिफिकेशन में देखा भी होगा अकॉर्डिंगली। तो ये जो हमारा मेट्रोनिडाजोल है वो बेसिकली नाइट्रोइमिडाजोल का है, और नाइट्रोइमिडाजोल है वो आपके बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल पार्ट में पाए जाने वाले इस तरह के अमीबा को किल करने में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका रखता है। दोनों तरफ ये अपना इफेक्ट शो कर सकता है, इनसाइड और एक्स्ट्रा दोनों तरफ इंटेस्टाइन के रेस्पेक्ट में। दूसरा देखिए, इट कैन ऑल्सो इनहिबिट द ट्राइकोमोनास वेजिनालिस और गिराडिया लैम्बिलिया और बालांटीडियम कोली, इस तरह के जो और स्पीसीज हैं इनको भी खत्म करने में, उनको कंट्रोल करने में ये अपनी भूमिका निभाता है। एक यहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना चाहिए एमसीक्यूज के हिसाब से, वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनारोबिक बैक्टीरिया आर आल्सो सेंसिटिव। यहाँ पे पूरे लाइन में एक बात इंपॉर्टेंट है, ऐसे बैक्टीरिया जो एनारोबिक होंगे उनको किल करने में ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी। एनारोबिक का मतलब आप जानते हैं, जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं, और ये आपको लीडिंग पॉइंट देगा आगे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो प्लीज मेमोराइज दिस पॉइंट, इट इज ऑल्सो सेंसिटिव फॉर द एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक, दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव करते होंगे, इस तरह के बैक्टीरिया के लिए भी आपका जो मेट्रोनिडाजोल है वो इफेक्टिव है। अब अगर हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, मतलब ये ड्रग कैसे काम करता है, इसके काम करने का तरीका क्या है, और सबसे ऊपर कि इसके काम करने के लिए कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए उस ऑर्गेनिज्म में जिसको आपको खत्म करना है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आपको इस डायग्राम से समझाऊंगा, फिर मैं आपके लिए एक पावर पॉइंट एनिमेशन वीडियो भी लेकर के आऊंगा अगले ही पार्ट में। तो देखिए, इसका जो सबसे पहला पॉइंट कहता है मेट्रोनिडाजोल इज अ प्रो ड्रग, ये पॉइंट ही आपको समझाने में मदद करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो ड्रग, आपने तो काफी समय से सुना आ रहा है प्रोडक्ट के बारे में। प्रो ड्रग एक ऐसा ड्रग है जो इनिशियल लेवल पे जब हम इसको देते हैं तो वो इनएक्टिव होता है,
आफ्टर द मेटाबॉलिज्म ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है और अपने उस इफेक्ट को देना स्टार्ट करता है जिस चीज को लेने के लिए आपने उस ड्रग को लिया हुआ था। इनिशियल लेवल पे इनएक्टिव, आफ्टर मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाएगा, ऐसे ही ड्रग को हम बोलते हैं प्रोड्रग। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें काफी काम आएगा। इसके बाद देखिए ससेप्टेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एनारोबिक बैक्टीरिया, तब पहला पॉइंट तो यहीं पे आ ही गया, इंक्लूडिंग एनारोबिक बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया इसके लिए ससेप्टेबल नहीं होंगे, केवल एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया इसके लिए सबसे ससेप्टेबल होंगे। एंड सर्टन प्रोटोजोआ रिड्यूस द नाइट्रो ग्रुप, पहले तो यहां पे हम रुक लेना चाहिए क्योंकि इसके बाद जो है वो मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। कौन कौन से चीजें ससेप्टेबल है ये आपने देखा, दोबारा देखता हूं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऐसे बैक्टीरिया, माइक्रोजम में बैक्टीरिया भी आ जाएगा लेकिन अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया प्रोटोजोआ की तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, इंक्लूड करेंगे माइक्रोजम के अंदर, तो वो जिनके पास एक ऐसी एबिलिटी होगी जो कि इसको कुछ पॉइंट्स को रिड्यूस कर सकते होंगे और वो एनारोबिक मेथड से सर्वाइव कर रहे होंगे। आगे बात करें, दे रिड्यूस, कौन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया जो कि एनारोबिक होंगे, कुछ प्रोटोजोआ भी होंगे, सो दे रिड्यूस द नाइट्रो ग्रुप ऑफ नाइट्रो इमिडाजोल या मेट्रोनिडाजोल। नाइट्रो इमिडाजोल की ही कैटेगरी का हमारा ड्रग है मेट्रोनिडाजोल, तो यहां पे देखिए जो रिड्यूस करते होंगे, किसको रिड्यूस करते होंगे, नाइट्रो ग्रुप को। अब ये रिड्यूस करना मतलब तो आप जानते हैं रिडक्शन के प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, सो विच रिड्यूस द नाइट्रो ग्रुप ऑफ मेट्रोनिडाजोल बाय एंजाइम, ये आपके लिए मेमोराइज करने वाला पॉइंट है। इस मेट्रोनिडाजोल का केमिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखें केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें एक नाइट्रो ग्रुप होगा, इसको ब्रेक करने के लिए, इसको एंजाइम की मदद से कन्वर्ट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो एंजाइम का हो सकता है वह है नाइट्रो रिडक्टेज। ये भी आपको पूरा क्लियर कर रहा है, जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा कि मैकेनिज्म क्या है। नाइट्रो रिडक्टेज में आखिरी वर्ड है एंजाइम, और एंजाइम का तो काम जानते ही है आपको, उसके पहले का जो काम है वो आपको खुद ही बता रहा है, मतलब रिडक्शन करना, और किसको रिडक्स करना, नाइट्रो यानी कि नाइट्रो ग्रुप जो किसमें प्रेजेंट है, आपके मेट्रोनिडाजोल बोलिए या तो आपका जो इसको मेन ग्रुप है नाइट्रो इमिडाजोल बोलिए, तो इसमें से पाए जाने वाले नाइट्रो ग्रुप को एक एंजाइम की मदद से रिड्यूस करेगा। ये ही आपको पूरा चीज कहानी कह रहा है, ये आप बिल्कुल याद रखें। और किसमें कन्वर्ट करेगा, एंड कन्वर्ट इट इंटू साइटोटॉक्सिक डेरिवेटिव। ये जो रिडक्शन होगा, रिडक्शन के बाद जो केमिकल कंपाउंड बनेगा वो आपका साइटोटॉक्सिक होगा। साइटोटॉक्सिक का मतलब भी जानते हैं, साइटो मतलब होता है सेल और टॉक्सिक मतलब तो आप जानते हैं कि जो उसके लिए सही नहीं है, जो उसको किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इनिशियल लेवल पे मेट्रोनिडाजोल इनएक्टिव है क्योंकि आप जानते ही हैं क्योंकि ये प्रो ड्रग है, जब ये आगे जाकर के मेटाबोलाइट हो जाएगा तो वह एक्टिव ड्रग में बदल हो जाएगा, और उसका जब मेटाबोलिज्म होंगे साथ साथ कुछ ऐसे एंजाइम भी पाए जाएंगे, वो एंजाइम स्पेसिफिकली ऐसे माइक्रोजम में पाए जाएंगे जिनमें एनारोबिक एबिलिटी होती है, तो वो इसके प्रेजेंट आपके नाइट्रो ग्रुप को ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने के रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है नाइट्रो रिडक्टेज। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसको याद रखिएगा। तो इस तरीके से साइटोटॉक्सिक डेरिवेटिव बनेगा। ये जो साइटोटॉक्सिक डेरिवेटिव बनेंगे वो क्या करेंगे, दिस साइटोटॉक्सिक डेरिवेटिव बाइंड्स टू डीएनए। जिस भी माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, जिस भी बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, जिस भी प्रोटोजोआ के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें एनारोबिक मेथड पाया जाता है उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो साइटोटॉक्सिक डेरिवेटिव बनेगा वो आगे जाकर के डीएनए में बाइंड हो जाएंगे। किसके डीएनए में, इसी माइक्रोऑर्गेनिज्म के डीएनए में, और क्या करेगा, इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। सो द फाइनली मेन एक्टिविटी इज टू इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एंड यू नो इट वेरी वेल फ्रॉम द लास्ट फ्यू टॉपिक्स, हमने देखा कि प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, आपके बिल्डिंग ब्लॉकिंग मटेरियल के रूप में कहलाता है, काफी सारे चीजों को रिस्पॉन्सिबल को, रिसेप्टर को, एंजाइम को, सबको डिजॉल्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगर हम डीएनए को अफेक्ट करके फाइनली इसके प्रोटीन के सिंथेसिस को अफेक्ट कर देंगे तो इसके आने वाले जितने भी एक्टिविटी हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोटीन पे डिपेंड करते हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएंगे, और उनका जो लाइफ साइकिल है, उनका जो सर्वाइवल रेट है वो बिल्कुल भी कम हो जाएगा। तो ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब यहां पे एक बहुत जरूरी बात जिसको मैंने यहां भी आपको बताया था, यहां भी आपको बताया है, वो नोट के फॉर्म में रखें, एमसीक्यूज का परमानेंट क्वेश्चन है कि एरोबिक बैक्टीरिया डोंट हैव नाइट्रो रिडक्टेज, सो दे डू नॉट ससेप्टेबल फॉर दिस काइंड ऑफ ड्रग। क्यों, एरोबिक
ये पूरी कहानी देखिए एरोबिक एनारोबिक पे ही है। ये पूरा जो आप कन्वर्जन देख रहे हैं नाइट्रो ग्रुप का साइटोटॉक्सिक में, वो केवल वहां पे हो रहा है जो बैक्टीरिया एनारोबिक हैं। जो बैक्टीरिया एरोबिक हैं उनमें इस तरह की एक्टिविटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनमें नाइट्रो रिडक्टेज नाम का जो एंजाइम है जो पूरा कन्वर्ट करने का काम कर रहा है वो नहीं पाया जाएगा। जब वो एंजाइम ही नहीं पाया जाएगा जो रिड्यूस कर रहा था टॉक्सिक कंपाउंड को बनाने के लिए, वो एंजाइम ही नहीं है, तो वो आपका जो मेट्रोनिडाजोल हो या इसका कोई और कैटेगरी का ड्रग हो वो टॉक्सिक कंपाउंड में टॉक्सिक डेरिवेटिव में कैसे बदलेंगे? और जब तक कोई चीज टॉक्सिक डेरिवेटिव में नहीं बनेगा आफ्टर मेटाबॉलिज्म, वो आपके पैरासाइट को, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, चाहे वो एरोबिक हो, चाहे वो एनारोबिक बैक्टीरिया हो, कैसे आप उसको खत्म कर पाएंगे? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके काम करने के लिए लिमिटेशन बोलिए या एक पॉइंट बोलिए कि ये केवल केवल एनारोबिक टाइप के माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए ससेप्टेबल है। तो ये एक बेसिक बात हो गई। अभी मैं आपको इसी चीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूं बहुत रफ डायग्राम की मदद से। सबसे पहले एक छोटा सा कहानी सुन लेते हैं। जब पहले काफी दिनों पहले गांव में, अभी भी कुछ जगह ऐसे होते हैं कि लोग खुले में शौच जाया करते थे या कुछ इस तरह की वेस्ट मटेरियल को यूं ही खुले में छोड़ दिया करते थे, तो बरसात के मौसम में ये कंटामिनेशन होकर के पास के नियर बाय वाटर के सोर्स पे पहुंचते थे और कुछ लोगों को द्वारा वापस से उनको रीयूज किया लिया जाता था वाटर के सोर्स में, या कहीं किसी वेक्टर के द्वारा वो कंटामिनेशन होकर किसी फूड में पहुंचता था। तो मेथड कोई भी हो, फूड हो या वाटर हो, दोनों का कंटामिनेशन जो कि एक एक्सक्रीटरी फॉर्म में बाहर निकला हुआ था वो हमारे वापस ओवरलोड के थ्रू इंजेस्ट हो जाएगा, तो ये फेको ओरल रूट कहलाएगा। तो इनके साथ-साथ जो कि फीकल मटेरियल में ऑलरेडी कंटामिनेटेड हो चुका है, वो फूड चाहे वो वाटर, दोनों कहीं ना कहीं रास्ते से कंज्यूम किए जाएंगे ह्यूमन के द्वारा, हमारे के द्वारा। जब ये कंज्यूम होगा तो ये आके आगे जाकर के आपके इंटेस्टाइन में ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, सिस्ट के फॉर्म में डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये आपके स्टमक में एचसीएल से अपने आप को प्रिवेंट कर जाते हैं। तो जैसे ये सिस्ट का फॉर्मेशन होगा ये इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे। इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद इसके दो तरीके की एक्टिविटी है, मैंने आपको समझाया था 10% आपका इन्वेसिव होते हैं और 90% नॉन इन्वेसिव होते हैं। तो यहां पे अगर आप देखिए कि ये आपका इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन में ये साइकिल को पूरा कर रहे हैं सिस्ट के फॉर्म में, ट्रोफोजोइट बना रहा है हमारा, ये जो बड़ा पार्ट देख रहे हैं वो आपका ट्रोफोजोइट है, ये ट्रोफोजोइट साइकिल को कंप्लीट करते रहते हैं कुछ मत तक, ये आगे जाकर के इसमें अल्सर कॉज कराते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं अगले पार्ट में एनिमेशन में और अच्छे से देख पाएंगे आप, तो यहां पर ये अल्सर को कॉज कराते हैं। इसी अल्सर के कॉज होने की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्टार्ट भी होता है और इसी कारण से फिर आपको प्लस और आपका ब्लडिंग दोनों होता है स्टूल के साथ, जो कि कन्वर्ट हो जाता है वाटरी स्टूल, दैट इज सिंपली कंसीडर्ड एज अ डिसेंट्री। तो ये आपके सिम्टोमेटिक तरीका हो गया समझने का कि क्यों बन रहा है, क्यों पस बन रहा है, क्यों ब्लीडिंग आ रही है डिसेंट्री में, ये हो गया। कुछ कुछ केस में अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका है वो आगे मूव करता है ब्लड में और ब्लड के थ्रू मूव करके लीवर में पहुंचता है, लीवर में एब्सेस का फॉर्मेशन करता है। रेयर केस में ये आपके लंग्स और उससे भी रेयर केस में आपके ब्रेन में पहुंचता है, बट संभावना तो है चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, तो ये आपके प्रॉब्लम है। और कुछ जो बचे हुए होते हैं वो फीसेस के साथ बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे जो एंड हुआ था ई का एंड हुआ था, यहाँ पे स्टार्टिंग का एस होता है। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल है वो चलता रहता है। अगर हम इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मेट्रोनिडाजोल यूज करते हैं तो यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल का मैकेनिज्म भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। ये रहा मेट्रोनिडाजोल और मेट्रोनिडाजोल ये आपका NR नाइट्रो रिडक्टेज एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव मेटाबोलाइट में। ये जो एक्टिव मेटाबोलाइट है वो टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, आप भी देखिए साइटोटॉक्सिक डेरिवेटिव बनता है और ये आगे जाकर के आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ बाइंड होगा, और जब डीएनए के साथ बाइंड होगा तो डीएनए के कारण से जो आगे जाकर के ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस होना था और उसके फलस्वरूप आपका प्रोटीन बनना था, तो इसने प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को कम कर दिया, इनहिबिट कर दिया। और इस तरीके से ये जो काम करने का तरीका है वो इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले इस तरह के अमीबा को खत्म करने का काम करता है। ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। तो पहले पार्ट में हमने बात किया बेसिक इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसी वीडियो के दूसरे व्हाइट बोर्ड सेक्शन में चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, देयर कॉन्ट्राइंडिकेशन, देयर यूज के बारे में। उसके बाद एक और नए वीडियो में अलग से मैं आपको एनिमेशन की मदद से इसको समझाने का प्रयास करूंगा दोबारा से। सो फ्रेंड, दूसरा पार्ट जरूर देखिएगा, वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है। जब भी आप दोनों पार्ट देख लें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जरूर फ्री में जो ऑनलाइन टेस्ट है उसे अटेंड करें। जिस एमसीक्यूज को हम फ्री में आपके लिए हर टॉपिक के बाद प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी को अटेंड करने के लिए काफी सारे इंस्टीट्यूशन आपसे चार्ज करते हैं और आप उनको पैसे देकर अटेंड करते हैं। जब वो चीज उसी के समकक्ष, कभी कभी उनसे ज्यादा भी अच्छा अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो आपको पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। यह मेरा एक हम्बल सजेशन है, बाकी इच्छा आपकी। थैंक यू।
मेट्रोनिडाजोल के काम करने के तरीके, उनका मैकेनिज्म एक्शन को आपने वर्ड में, डायग्राम में और एनिमेशन के साथ ऐसे भी समझा। उम्मीद करता हूं कि यह आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में थोड़ा सा मदद किया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं मेट्रोनिडाजोल का सेकंड पार्ट, इसमें हम बात करेंगे उनके पॉसिबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन की, यानी कि ऐसे इफेक्ट जो कि हमको उनसे नहीं एक्सपेक्ट करने चाहिए, और उनके कौन कौन से इंटरेक्शन हो सकते हैं दूसरे तरह के ड्रग के साथ, किस केस में इनको नहीं लेना चाहिए और किस केस में लेना चाहिए, यानी कि इनका कॉन्ट्राइंडिकेशन और यूज। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन की, तो यूं तो मेट्रोनिडाजोल के कोई सीवियर या डेंजरस साइड इफेक्ट नहीं है, वो अलग अलग छोटे छोटे कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले बात करें तो मोस्ट कॉमन की, यानी कि जो फ्रीक्वेंट है, जो इतना डेंजरस है भी नहीं लेकिन कॉमन तरीके से देखने को मिलेगा, उनमें से सबसे पहला है एनोरेक्सिया, यानी कि आपको थोड़ा सा भूख पहले की तुलना में कम लगेगा। नॉजिया, यानी कि फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, एक्चुअल वोमिटिंग होगी नहीं लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपको वोमिट आउट करना है। साथ साथ देखिए मेटालिक टेस्ट इन माउथ, जब कभी भी हम किसी लोहे की कील को टच करते हैं मुंह में, कभी टेस्ट करते हैं, कभी हम आयरन के सिरप पीते हैं या कभी ऐसे हैंडपंप के पानी को पीते हैं, तो आपके मुंह में थोड़ा सा एक मेटालिक टेस्ट तो आता होगा, जिसे हम साधारण भाषा में, लेमैन की भाषा में बोलते हैं, लोहे का टेस्ट आ रहा है पानी में। तो बिल्कुल कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा ऐसे मेटालिक टेस्ट आ सकते हैं आपके माउथ में, अगर आप मेट्रोनिडाजोल को यूज कर रहे हैं तो। इसके साथ-साथ एब्डोमिनल क्रैम की भी संभावना होती है, थोड़ा-थोड़ा आपको एब्डोमिनल कमिटी पे पेन का एहसास हो सकता है, ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा वो ऐंठन जैसा हो रहा है। क्रैम का मतलब होता है कि जब हम गीले कपड़े को निचोड़ते हैं तो जिस तरीके से आप उस कपड़े को निचोड़ रहे हैं, बिल्कुल ही वैसा ही आपका जो इंटेस्टाइनल पार्ट है वैसा निचोड़ रहा है, ऐसा महसूस होने लगता है। कभी कभी आप पाएंगे कि लूजनेस ऑफ स्टूल होगा, यूं तो इसमें डिसेंट्री है लेकिन फिर भी उसके ड्रग के एक्ट करने के बाद भी आपका जो लूज मोशन जैसा फीलिंग्स है, या एक प्रकार से कह लूं कि जो स्टूल का फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा वाटरी ही रह सकते हैं, इसकी संभावना भी यहां पर रखा गया है। अगर हम बात करते हैं लेस फ्रीक्वेंट की, पहला तो था आपका मोस्ट कॉमन जो अक्सर देखा जाएगा, और दूसरा है लेस फ्रीक्वेंटली, ये होगा तो लेकिन इंटरवल इसका थोड़ा सा कम संभावना है, कम लोगों में देखने को मिलेगा। इसके अंदर है हेडेक, और दूसरा है आपका ग्लोसाइट्स। ये ग्लोसाइट एक नया वर्ड है, इसका मतलब होता है आपके टंग का इंफ्लामेशन, और इस टंग के इंफ्लामेशन हो जाने की वजह से आपके टंग का शेप, स्ट्रक्चर और आपका जो अपीयरेंस है वो भी अलग हो जाएगा, थोड़ा सा आपका टेस्ट का एहसास भी कम होने लगेगा, क्योंकि यहां पे आपके टेस्ट में, ये टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो टंग है उसमें इंफ्लामेशन हो रहा है। साथ साथ अगर आप बात करते हैं नॉर्मल की, तो ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह थोड़ा सा आपका सूखा सूखा लगेगा, जैसे हम अक्सर बात करते हैं तो कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि मुंह सूख रहा है, ये ओकेजनली नहीं, ये इंटेंशनली क्योंकि हम बात कर रहे हैं, बट उस केस में जब आप मेट्रोनिडाजोल को लेंगे तो अक्सर ही आपको ऐसा लगेगा कि आपका मुंह थोड़ा सा सूख रहा है। एंड इम्पेयरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब ये दिमागी तौर पे बात कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज को कंसंट्रेट होके काम कर रहे हैं, चाहे आप अपनी पढ़ाई कंसंट्रेट होके काम कर रहे हैं, चाहे मैं आपको कंसंट्रेट होके पढ़ा रहा हूं, या कोई भी आप अपनी एक्टिविटी को किसी पॉइंट पे फोकस करके काम कर रहे हैं, तो मेट्रोनिडाजोल के अनवांटेड इफेक्ट के अंदर थोड़ा सा ये देखने को मिल सकता है कि आपका जो कंसंट्रेशन वो थोड़ा इधर उधर डेविएट हो रहा है, आप थोड़ा कंसंट्रेट को लूज कर रहे हैं, ये इसकी संभावना है, लेकिन इसकी संभावना पहले की तुलना में कम है, इसीलिए ये फ्रीक्वेंट के अंदर रखा गया है। अगर हम बात करते हैं अर्टिकारिया की, तो आपके स्किन में एलर्जिक रिस्पांस की वजह से, किसी ड्रग मेडिसिन की वजह से रेड रेड स्पॉट्स दिखने लगेंगे, आपको थोड़ी सी खुजली जैसी होने लगेगी, वो अर्टिकारिया के अंदर आएगा। फ्लशिंग के अंदर भी यही है, आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी रेडनेस होने लगेगी, इसके बाद हीट जनरेट होगा, इचिंग हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, लेकिन ये जो कंडीशंस हैं, इचिंग, रैशेस, अर्टिकारिया, बेसिकली उन पर्सन में ज्यादा देखने को मिलते हैं जिनमें एलर्जिक रिस्पॉन्स इन जनरल दूसरों की तुलना में ज्यादा देखने को मिलते हैं। एलर्जिक पेशेंट में ही इस तरह की प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं प्रोलॉन्ग्ड यूज पे, अगर मेट्रोनिडाजोल को लंबे समय तक यूज करा जाए तो इसके अलग से साइड इफेक्ट, या कह लीजिए सीवियरिटी के अकॉर्डिंगली जो आगे प्रोपगेट हो सकता है एडवर्स इफेक्ट, उसके अंदर है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो पेरिफेरल नर्व है उनके थोड़े से नर्व में डैमेज होने की संभावना बनती है। सेंट्रल नर्वस इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर या तो आपका कंसंट्रेशन थोड़ा बिगड़ जाएगा, या आपको थोड़ा सा मूड स्विंग होने की संभावना देखने को मिलेगी, इट इज नॉट क्लियर बट इस तरह की संभावना देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ सीजर की भी संभावना बन जाएगी। सीजर का ये जो एपिलेप्सी के केस में आपने देखा वो तो किसी कारण से होता है, लेकिन यहां पे वो उसका कारण फिजियोलॉजिक नहीं, आपके ड्रग इंड्यूस की वजह से होगा, लेकिन ये कॉमन नहीं है, ये किसी किसी पेशेंट में ही देखने को मिलता है, जिसको हम लोग
लोगों ने ऑलरेडी इडियोसिंक्रेसी के केस में समझा हुआ है। एक ऐसा अनवांटेड रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग जो कि इन पॉपुलेशन में जनरली देखने को ना मिले, एक आज गिने चुने बिजारी इसको हम लोग बोलते हैं। आपने एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी सुना होगा हमारे चैनल पे, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर टाइप बी आता है और टाइप बी को हम बोलते हैं बिजारे। बिजारे मतलब कभी कभी यदा कदा एक आध बार होने वाला, और उसी के अंदर रखा जाता है आइडियोसिंक्रेसी को। तो ये जो आपका सीजर है वो मेट्रोनिडाजोल के एडवर्स इफेक्ट के अंदर कभी कभी किसी किसी के में देखे जाने वाले सिम्टम में से है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिकली कॉन्ट्रा इंडिकेशन के केस में कि ऐसा कौन कौन सा केस है जिसके प्रेजेंस में हमको आज का ड्रग मेट्रोनिडाजोल एंटी एमिबिक ड्रग के रूप में नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा यूज करते हैं तो वो उसकी पोटेंशियसी को यानी कि उसके अनवांटेड इफेक्ट को कई गुना बढ़ा सकता है और जिसको आप दे रहे हैं उसके लिए दिक्कतें कॉज कर सकता है। ऐसा कौन कौन सा केस है, देखिए न्यूरोलॉजिकल डिजीज। अब यहां पे लॉजिक बहुत सिंपल सा है, आपको समझने में बड़ा आसान हो जाएगा। न्यूरोलॉजिकल डिजीज मतलब किसी ऐसे पर्सन को जिसके न्यूरोलॉजिकल कंडीशन सही नहीं है, वो उनके ब्रेन में कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, नॉर्मल जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके बैलेंसिंग हॉर्मोन्स वगैरह है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उनको अगर आप देंगे तो क्या होगा, क्योंकि आपने यहां पर देखा भी है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी कुछ प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं। डोज डिपेंडेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ साथ सीजर भी कॉज कर रहे हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कॉज कर रहे हैं, तो ये उनका अपना एक अनवांटेड इफेक्ट है। लेकिन जिस पर्टिकुलर पर्सन को ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप देंगे तो दोनों तरफ से उस पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉब्लम होगी और उसके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। इसलिए ऐसे पेशेंट में हम इस तरह के मेट्रोनिडाजोल को यूज नहीं करते हैं। साथ साथ देखिए जो ब्लड डिस्कैरियसिस है इसमें भी हम यूज नहीं करते। इसके बारे में जानकारी छोटी सी ये है कि ये जो ब्लड डिस्कैरियसिस है बेसिकली एक ब्लड का डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड लिम्फ फेलगम और आपका बाइल इनके बैलेंस बिगड़ जाते हैं और ऐसी सिचुएशन को कई ट्रेडिशनल मेडिसिन के सिस्टम के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन किया गया है आपका डिस्कैरियसिस स्पेसिफिकली इन ब्लड के केस में। इसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के केस में भी इसको नहीं देना चाहिए, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो क्यों नहीं देना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, क्योंकि इसके एक म्यूटाजेनिक इफेक्ट देखने को मिले हैं और उस म्यूटाजेनिक इफेक्ट को हम कोरिलेट करके ये कह सकते हैं कि ये सही नहीं होगा। मैंने यहां पे म्यूटाजेनेसिस वर्ड यूज किया, टेरेटोजेनिसिटी वर्ड नहीं यूज किया, क्योंकि अब तक इस मेट्रोनिडाजोल के ऊपर टेरेटोजेनिक इफेक्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन म्यूटाजेनिसिटी इफेक्ट देखने को मिला है। तो उस म्यूटाजेनिसिटी को रेफरेंस मानकर ये एज्यूम किया गया कि ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट तो शो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एबनॉर्मलिटी कॉज कर सकता है फीटस में। इसलिए इनिशियल के फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे नहीं लेना चाहिए, बिकॉज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज वेरी सेंसिटिव, तो इस केस में इनको अवॉइड करना चाहिए। मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है कि नो टेरेटोजेनिसिटी रिस्पांस इज रिकॉर्डेड ऑल्दो इट शुड नॉट बी टेकन इन केस ऑफ प्रेगनेंसी स्पेसिफिकली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रग इंटरैक्शन की। What is the meaning of drug interaction? आप तो बहुत कुछ जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे तो उनको भी मैं इंटरैक्ट कर दूं इसके बारे में। इंटरैक्शन मतलब क्या होता है, जब कभी आप अकेला ड्रग लेते हैं तो उसके साथ फाइट करने वाला कंपीट करने वाला कोई भी नहीं होता, वो अपना ही एक राजा होता है आपकी बॉडी में, वो अपनी एक्टिविटी दे सकता है। लेकिन जैसे ही आप उसके साथ कंकमिटेंटली साइमल्टेनियसली या एक पर्टिकुलर लेस इंटरवल में कोई दो या दूसरा ड्रग ले लेते हैं, उससे अधिक ड्रग ले लेते हैं, तो वो आपस में कंपीट करने लगते हैं, फाइट करने लगते हैं। हो सकता है उनमें कुछ दोस्त हो तो जो मिल करके काम करें आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और हो सकता है कि दो का नेचर ऐसा हो कि एक दूसरे की पट्टी ही ना हो और आपस में एक दूसरे को फाइट करें, एक के इफेक्ट को दूसरा, दूसरे के इफेक्ट को पहला, नेगलीफाई करने की कोशिश करता रहता हो, जैसा हमारे साथ भी होता है। तो इसके कारण से फायदा भी हो सकता है और कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। अगर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दे रहे हैं एक पॉजिटिव वे में तो आपके लिए वो अच्छा है, लेकिन अगर एक दूसरे को एंटागोनाइज कर रहे हैं या कुछ और एडवर्स इफेक्ट शो कर रहे हैं तो वो आपके लिए बुरा से बुरा हो सकता है। तो इसलिए हमको याद रखना चाहिए कि किस किस के इंटरेक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए पहला, अ डाइसल्फिरॉन लाइक इंटॉलरेंस विद अल्कोहलिक पर्सन। ये भी आपने पढ़ा हुआ है डाइसल्फिरॉन के काम करने के तरीके के बारे में, और अधिक जानना चाहते हैं तो वीडियो में सर्च कर सकते हैं। जब किसी पेशेंट को क्रॉनिक अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट को अल्कोहल को छुड़वाना होता है तो उसको अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन हम उसको डाइसल्फिरॉन का एक डोज देते हैं। ये डाइसल्फिरॉन कुछ ऐसे एक्टिविटी कॉज करता है कि उसकी बॉडी में कुछ एक्टिविटी फॉर्मल्डिहाइड वगैरह एक्युमुलेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसको हैंगओवर, हेडेक और वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम किसी को मेट्रोनिडाजोल देते हैं और वो पर्टिकुलर पर्सन इसके ऊपर अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल लेने के कारण से ये एक डाइसल्फिरॉन जैसा एक्टिविटी देगा और उसको सेम इफेक्ट मिलेगा, हेडेक, वोमिटिंग, नोजिया, बॉडी पेन ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी मैंने जैसे हाथ लगाया हुआ है
ये भी हर किसी के साथ देखने को नहीं मिलता है, किसी किसी केस में देखने को मिलेगा। ये भी आप इसको इडियोसिंक्रेसी के केस में ऐड कर सकते हैं। दूसरा देखिए, एक इंपॉर्टेंट नोट लेके चलते हैं यहां पे, एंजाइम इंड्यूसर, एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनिबिशन, इनके ऊपर भी हमने कंप्लीट वीडियो अपलोड किए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप देख रहे हैं कि हर बार रिपीट हो रहा है। सो एंजाइम इंड्यूसर मतलब होता है ऐसे ड्रग जो कि आपके माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस कराते हैं, उनका इस मेट्रोनिडाजोल के साथ क्या इंटरेक्शन हो सकता है। सो ऐसे ड्रग जो इंड्यूस करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, फेनोबारबिटोन एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, रिफॉम्पिन ये आपने देखा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, तो ये दोनों ड्रग फेनोबारबिटोन और रिफॉम्पिन में इनहिबिट या रिड्यूस द इफेक्ट, किसका इफेक्ट, आपके इसी मेट्रोनिडाजोल के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। दूसरा सिमेटिडीन, सिमेटिडीन के बारे में पढ़ा आपने, एंटी सिक्रेटरी ड्रग का एग्जांपल है, सिमेटिडीन इनहिबिट इट्स मेटाबॉलिज्म, इसके मेटाबॉलिज्म को ये इनहिबिट कर देता है, और इसके मेटाबॉलिज्म के इनहिबिट होने की वजह से इनकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इन ब्लड है वो कुछ देर के लिए बढ़ जाएगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है तो इसको एलिमिनेट करने की संभावना थोड़ी सी कम बनती जा रही है, लंबे समय तक आपके बॉडी में रहने की संभावना है, तो इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म के कम होने की वजह से, ध्यान दीजिएगा, मेटाबॉलिज्म के कम होने की वजह से टॉक्सिसिटी डेवलप हो रही है, और टॉक्सिसिटी डेवलप को अगर आपको कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, तो ऐसे सिचुएशन में इसके डोज को हमको धीरे धीरे कम करना चाहिए, या और कोई प्रिकॉशन मेथड अगर आप ले सकते हैं उस समय तो वो भी लेना चाहिए, क्योंकि इससे इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, किसके कारण से, सिमेटिडीन को अगर आप मेट्रोनिडाजोल के साथ लेते हैं। तो आगे बात करते हैं मेट्रोनिडाजोल, अब तो आपने देखा कि कौन कौन से ड्रग है जो मेट्रोनिडाजोल की एक्टिविटी को बढ़ा या घटा रहे हैं, अब हम ये भी देख लेते हैं उल्टे तरफ से कि मेट्रोनिडाजोल कौन से अदर ड्रग की एक्टिविटी को बढ़ाएगा या घटाएगा, रिएक्शन तो दोनों तरफ से होगी। तो देखिए, मेट्रोनिडाजोल इंक्रीज द वारफेरिन एक्शन, वारफेरिन के एक्शन को बढ़ा देता है, जो कि एक एग्जांपल है एंटीकोएगुलेंट का, बाय इनहिबिटिंग इट्स मेटाबॉलिज्म। बड़ी अच्छी बात यहां पे लिखी हुई है कि अगर आप मेट्रोनिडाजोल को वारफेरिन के साथ लेते हैं, और वारफेरिन का काम है एंटीकोएगुलेंट, कोएगुलेशन को रोकने वाला, तो इसके कारण से और कोई अगर सीवीआईटी है तो भी प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसके बाद देखिए, इट कैन रिड्यूस रीनल एलिमिनेशन ऑफ लिथियम, मेट्रोनिडाजोल को अगर आप लिथियम के साथ लेते हैं, जो कि एक साइकेटिक डिजीज को ठीक करने वाले ड्रग के अंदर एग्जांपल है लिथियम, तो ये जो मेट्रोनिडाजोल है, इस लिथियम को आपके यूरिन के थ्रू एलिमिनेशन होने के प्रोसेस को रोक देता है। इससे क्या होगा, अगर यूरिन के थ्रू ये लिथियम एलिमिनेट नहीं होगा तो ये अभी भी आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में प्रेजेंस रहेगा, और आगे जाकर के ये प्रेसिपिटेट कर सकता है इसी टॉक्सिसिटी को, क्योंकि इसको निकलना था अपना काम करने के बाद, बट अभी निकल नहीं पा रहा। क्यों नहीं निकल पा रहा, क्योंकि आपके मेट्रोनिडाजोल ने इसके एलिमिनेशन को इनहिबिट करके रखा हुआ है। आगे देखिए, इसका यूज के बारे में बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यूज को मैंने यहां पे कोट किया है, तो ये इंपॉर्टेंट यूज में से पहला है अमीबायोसिस, जिसके लिए हम बात ही कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली यूज होना ही होना है, इसमें याद रखने की कोई बात ही नहीं है, बट इसका जो डोज है वो आपको याद रखना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस एट 400 to 800 mg ट्राइस इन अ डे फॉर 7 to 10 days। ये जो डाटा है मैं उसको सबको अंडरलाइन कर रहा हूं, ये आप याद रखें, स्पेसिफिक वैल्यू है, यूं तो हम डोज को इंक्लूड नहीं करते, जहां पे बहुत जरूरी हो जाता है वहां पे डोज को इंक्लूड करते हैं। दूसरा देखिए, एच पायलोरिक के इन्फेक्शन के केस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है ठीक करने में। ये एच पायलोरिक क्या है, ये आपने अल्सर के केस में देखा हुआ है, हेलिकोबैक्टर पायलोरिक, ये अल्सर कॉज कर सकता है, और आपने एनिमेशन की वीडियो में भी देखा हुआ है कि अल्सर कॉज हो रहा है, तो अल्सर के पेशेंट में इस तरह की प्रॉब्लम को और ज्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए हम एच पायलोरिक को ठीक करने के लिए भी मेट्रोनिडाजोल को ले सकते हैं। याद बस आपको एक ही रखना है कि जो चीजें एनारोबिक केस में है उन्हीं के लिए हमारा मेट्रोनिडाजोल काम करेगा, एरोबिक में ये काम नहीं करने वाला। तो देखिए, मेट्रोनिडाजोल प्लस इसके साथ अगर हम कंबाइन करते हैं क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड दूसरे टाइप ऑफ ड्रग जिसको हम लोग एंटी सेक्रेटरी भी बोल सकते हैं ओमेप्राजोल, तो ये अपना एंटी अल्सर का इफेक्ट भी शो करेगा। इट इज नॉट एग्जैक्टली एंटी कैंसर, एंटी अल्सर, बट इट इज एक्टिंग इन केस ऑफ दिस। दूसरा देखिए, ग्रेडियसिस, ग्रेडिया के केस के जो इन्फेक्शन होते हैं जो कि वाटर और फूड डिजीज के कारण से जनरेट हो सकता है, ये भी प्रॉपर इम्प्रॉपर सैनिटाइजेशन की वजह से होता है, अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से होता है, तो इसके केस में भी अगर आप देखेंगे तो 200 mg TDS फॉर 7 days ये एक इंपॉर्टेंट ड्रग का काम करेगा। फिर देखिए, एनारोबिक इन्फेक्शन जिसके बारे में मैंने आपसे डिटेल से बात किया है तो यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि नाइट्रोरिडक्टेज की जो एंजाइम है वो यहाँ पे काम करेगा। उसके बाद देखिए, टॉपिकल प्रिपरेशन के लिए अगर ऊपर में कोई इंफेक्शन हो गया है, एक्ने हो गया है, तो 1% जो जेल है इसका वो स्किन के इंफेक्शन और एक्ने को ठीक करने में ले मदद का काम करता है।
सो इस सेकंड वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन के साथ हमने आपका एंटी एमीबिक ड्रग में पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रग मेट्रोनिडाजोल के बारे में बात किया, काफी सारे पॉइंट्स को हमने इंक्लूड किया। तो अब इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और दोनों के क्वेश्चन को मिला करके एक फ्री में ऑनलाइन टेस्ट जो आपके लिए है वो अटेंड करें अगर आप जीपेड के लिए सीरियस हैं तो, क्योंकि इस तरह के प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अपना टाइम मैनेज और अपना कंसंट्रेशन फोकस को भी एनालाइज कर सकते हैं। चूंकि ये फ्री है, बाकी की तरह आप चार्ज नहीं कर रहे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए अटेंड करने में। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के रेफरेंस के बारे में बात करूं दोनों व्हाइट बोर्ड सेशन को मिला करके, तो मैंने मैक्सिमम पोर्शन मजा उदय कुमार को इस टॉपिक के लिए प्रीफर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।